मजीद जानते चले दीपालपुर से। दीपालपुर में डेढ़ साल मासूम बच्चा वालदैन के बाहमी झगड़े की भेंट चढ़ गया। दूसरी बीवी को मनाने आने वाले खावन की फायरिंग से बेटा जा बहा, बीवी बार बार बच गई। मुलजिम बीवी पर तशद्दुद करते हुए फरार हो गया। तफसीलात के मुताबिक दीपालपुर के इलाका 25 टुवार में मकसूद की बीवी घरेलू झगड़े पर रूठ कर मायके गई हुई थी, जिसे मनाने के लिए मुलजिम मकसूद ससुराल गया। बीवी को मनाने में नाकामी पर खावन मकसूद सीख पा हो गया और अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में बीवी सवारानी बाल बाल बच गई, मगर फायरिंग की जद में आकर डेढ़ साल मासूम बेटा शदीद जख्मी हो गया। मुलजिम खातून पर तशद्दुद करते हुए फरार हो गया। जख्मी बच्चे को DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जहां वो जान पर ना हो सका। वाकई की इतला पर पुलिस की भारी नफरी मौका पर पहुंच गई और कातिल बाप की गिरफ्तारी के लिए मुख्तलिफ मकामात पर छापे मारे जा रहे हैं। रिपोर्ट हाजी गुलाम अहमद चौहान, तहसील रिपोर्टर, सहारा न्यूज़, दीपालपुर।